यहाँ यहाँ पे देखो हल्के हल्के जो बाल दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से दिख रहे हैं थोड़े थोड़े बाल जाते हुए। एक तो ये जा रहा है अपना, तो यहाँ पे आराम आराम से, बहुत ज्यादा आगे आगे तक नहीं देना है, थोड़े से ही देना है। ठीक है, जैसे ही इस एरिया को हिट करते हैं थोड़े और आगे आगे तक आ जाएंगे। तो थोड़ा और ऊपर गए, इस एरिया को हिट करा, थोड़े और आगे आगे तक आने लगे। इस तरीके से आगे आगे गए। ठीक है, याद रखना कि बहुत ज्यादा एकदम स्कैल्प पे या फिर फोरहेड पे बहुत ज्यादा नहीं भरने, आराम आराम से करना। ठीक है, फिर ये जो हेयर स्ट्रैंड जा रहा है इसकी आउटलाइन दो। देखो अब जो क्या है, अपन को बाल जो आसपास बिखरते हुए दिख रहे हैं वो भी साथ में बना सकते हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ जो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ हेयर से थोड़ी एक आध दो ऐसे निकल रहे हैं। तो फिर जो हेयर स्टैंड आ रहा है अभी, इसको फिल करना है। तो कैसे करोगे, बीच का एरिया थोड़ा छोड़ सकते हो इफ यू वांट। कैसे, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगाओ और यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाओ। ठीक है, बीच वाला एरिया अपन कैसे करेंगे, हल्के हल्के गिनती के स्ट्रोक्स लगाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बीच में खाली खाली से लुक आ रहा है ना, जो सिर्फ ऐसे गिनती के बालों का, बस ऐसे मेनली एरिया क्या होना चाहिए, भरा हुआ ऊपर वाला और ये नीचे वाला। फिर आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कैसे स्ट्रोक्स लगाओगे, ऊपर से नीचे की तरफ कर्व होते हुए से स्ट्रोक्स लगाओगे। यहाँ से भी ऊपर से नीचे की तरफ कर्व होते हुए स्ट्रोक्स लगाओगे। तो ये जो शेप है वो मेंटेन रहना चाहिए ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे कैसे स्ट्रोक्स आएंगे, यहाँ पे इधर खत्म हो जाएंगे। ये जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं ये ऊपर की तरफ है, ये जो स्ट्रोक्स हैं इधर की तरफ है। ठीक है, तो इसी को फिल करना है। तो ईयर के आउटलाइन के बाद इसे धीरे धीरे अंदर अंदर फिल करते जाओ। ठीक है, ये कर्व आता जाएगा। बहुत पेशेंस के साथ करना है, ठीक है, ऐसे जल्दबाजी में बाल बड़े गंदे बनते हैं ऐसे कर्व करते करते। ठीक है, देखो कर्व तुम्हारा कैसा होना चाहिए, ऐसे ये निकलना है ना, तो ये यहाँ आगे कंटिन्यू हो रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। ये समझना कि तुम्हारा आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है ये। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा देखो डायरेक्शन बदलने लग गई, तो अपन भी डायरेक्शन बदल रहे हैं, हल्की हल्की पीछे की तरफ भी ला सकते हो, जरूरी नहीं कि लेफ्ट से राइट ले जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट भी ला सकते हो। ओके, ये हुआ। ऊपर से कुछ नहीं करना, ऊपर से कर्व करते जाओ। देखो अपन यहाँ छोड़ सकते हैं बीच में, लेकिन वो ज्यादा हेक्टिक काम हो जाता, तो एंड में क्या करेंगे, मैकेनिकल इरेजर से इरेज कर देंगे वो वाला पोर्शन। ठीक है, तो पहले एक बार ये देख लो, ये आइडिया लग जाए, समझ लो इतना करो, और ये सही होता है तो फिर साथ साथ ही करते जाओ बाकी का एरिया, क्योंकि मेनली तो यही है। देखो ज्यादातर फैले हुए बाल यहाँ पे हैं, इसी डायरेक्शन को अपोजिट में कर दो तो राइट साइड वाला एरिया हो जाता है। तो पहले एक ये आइडिया बन जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरा एक कर्व जा रहा है, देखो थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ सा एरिया है, तो अपन को वो एरियाज का भी ख्याल रखना है। ठीक है, आराम आराम से करो, मेरे स्ट्रोक्स की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो मैं स्ट्रोक्स की स्पीड थोड़ी कम होगी, कोई परेशानी नहीं, अपने पेस पे करो। एक बार फ्लो बन जाता है तो अपने आप हेयर्स अच्छे आने लगते हैं। ये आ रहा है तो धीरे धीरे इस तरीके से हो गया। अब देखोगे जरा कि यहाँ से थोड़े बाल इधर उधर बिखर रहे हैं ऐसे। ठीक है, थोड़े से ही बनाने, अपन अभी मैकेनिकल पेंसिल से कर रहे हैं इसलिए बना रहे हैं। पेंसिल को ऐसे थोड़ा पीछे पकड़ लो, यहाँ से बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, इस तरीके से कर्व थोड़े से रेंडमली उल्टा सीधा कुछ नहीं गूदना है। ठीक है, एक फ्लो जो दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए हैं, यहाँ से ऐसे आते हुए हैं, ये थोड़े यहाँ पे हैं, थोड़े बाहर निकलते हुए ऐसे हैं, ऐसे। बहुत ज्यादा कूद दोगे तो भी गंदे लगेंगे, तो थोड़े से ही रखना, लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक
ईयर्स के पास जो है इस तरीके से कर्व आया, देखो एक शेप बना मैंने, इसका एक शेप बनाया मैंने, यहां से फिर से थोड़ा बीच वाले पोर्शन में मोटा हुआ ऐसे, फिर ये यहाँ ज्वाइन हो गया, ठीक है। यहाँ थोड़े ईयर्स से निकल रहा है, ईयर्स के स्ट्रोक्स, यहां से थोड़े कर्व करते हुए नीचे की तरफ आ रहे, ठीक है। ये देखो थोड़ा बाहर से निकल रहा है यहाँ पे, तुम भी इस तरीके से थोड़े थोड़े डार्क हेयर्स ऐसे कर्व करो, ओके। तो जहां पे अब ज्यादातर बाल दिख रहे हैं, जैसे ये अपन को दिख रहा है कि बीच में कुछ डार्क है लेकिन ज्यादातर लाइट है, तो लाइट का मतलब क्या हो गया, वही अपनी मैकेनिकल पेंसिल। तो यहाँ से ऐसे कर्व करते करते थोड़े ज्यादा से लगा दिए, यहाँ से ये जो शेप जा रहा है इसके बीच में थोड़े थोड़े बाल हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ हल्के हल्के बैकग्राउंड में थोड़े से दिख रहे हैं, तो बहुत लाइटली लाइटली मैकेनिकल पेंसिल चलाओ, थोड़े थोड़े यहाँ आएंगे, ठीक है, थोड़े थोड़े यहाँ पे आने लगेंगे। इस तरीके से अपना जो थोड़े फैले हुए बाल जो आ रहे हैं ना, उसका जो लुक आ रहा है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से अपन ने एक पोर्शन किया है लेफ्ट हेयर्स का, ठीक है। राइट साइड भी देखो नियरली सेम ही है, तो पहले एक बार इतना करके दिखाओ, उसके बाद फिर अपन राइट साइड वाला करते हैं। देखो ये नीचे वाला एरिया पहले करो, बाकी ऊपर बन वाले एरिया में बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो फोरहेड पे ये वाला रीजन आता है, यहाँ पे जब बाल दिख रहे हैं इसे, तो क्या करो, बहुत आराम आराम से ऐसे, यहाँ प्रेशर मत लगाना जब स्टार्ट करो, तो आराम आराम से करना इस तरीके से, थोड़े थोड़े बनाओ स्ट्रोक्स यहाँ पे, आराम आराम से स्ट्रोक्स लगाने हैं, ये फोकस होने दो, नीचे नीचे की तरफ थोड़े थोड़े दिखने चाहिए ये, ओके, हल्के हल्के। ये जो लाइन, अगर तुमने बहुत डार्क ड्रॉ कर रखी हो लाइन यहाँ पे, तो वो इरेज कर लेना। अब नॉर्मली यहाँ से स्ट्रेट स्ट्रोक्स लगाओ, धीरे धीरे उन्हें कर्व करते रहो, जैसे जैसे तुम लेफ्ट जाते जाओ और कर्व होते जाएंगे, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक यहाँ तक स्ट्रोक्स ले आओ, लेकिन उसमें गलती क्या होती है, कभी कभार ज्यादा आगे तक चले जाते हैं, तो फोरहेड पे जो हाईलाइट है वहां पे आ सकता है, तो अपन वो नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे कर्व होता रहेगा, ठीक है, धीरे धीरे करो, सेम चीज यहां पे करेंगे, ओके। इसको करने के लिए और बेटर तरीका क्या है, स्केच को ऐसे घुमा लो, मैंने बताया ना राइट हैंड इसको दूसरे साइड के कर्व लगाने के लिए, तो ये स्ट्रेट है, धीरे धीरे कर्व करते रहो, यहां ज्वाइन कर, ये जो लाइन है कोशिश करना कि ये अभी फर्स्ट लेयर के बाद गायब हो जाए, अपन एक और लेयर जो करेंगे उसमें ये नहीं दिखनी चाहिए, उसमें अपन कोशिश करेंगे कि ऊपर से नीचे जो स्ट्रोक्स आ रहे हैं उसी से हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये लाइन फिर बाद में अच्छी नहीं लगती, कि जितना ज्यादा लेयर लगाते जाओ उतनी ज्यादा डार्क होती जाती है। यहाँ पे भी अपन यही करेंगे राइट साइड वाले हेयर्स पे, तो अगर अपने रेफरेंस को भी एकदम उल्टा करके देख लो, तो हेयर्स इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो अपन भी सेम चीज करेंगे। देखो थोड़े थोड़े बाल यहाँ पे दिख रहे हैं अपन को, तो हल्के हल्के करेंगे, यहां से एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, देखो बाल यहां से हल्के से आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, फोरहेड की तरफ, यहां से फिर ये जो हेयर स्ट्रैंड जा रहा है वो स्टार्ट हो रहा है, वो बाद में बनाते हैं, पहले यहाँ वाले कर्व कर लो, तो यहाँ से कर्व हल्के हल्के फोरहेड पे ले जाना, जैसे यहाँ पे करने चाहिए थे ना उस तरीके से, धीरे धीरे आराम से,
आराम आराम से करो, ठीक है। यहाँ पे फोरहेड पे हल्के हल्के से स्ट्रोक्स आएंगे, ये हुआ। अब वापस घुमा लो इससे, क्योंकि अपन को इतने ज्यादा आपका की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला जो एरिया आता है यहाँ पे, यहाँ पे अच्छे तरीके से स्ट्रोक्स होने चाहिए, ठीक है। ये हेयर स्ट्रैंड जा रहा है, एक बार इसकी आउटलाइन दे दो अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हें भी क्लियर रहे कि कहाँ कैसे बनाना है। ठीक है, ये हेयर स्ट्रैंड का आउटलाइन आ गई। अब बाकी के हेयर्स करते हैं, ओके। तो यहाँ से हल्के हल्के से स्ट्रोक्स ऐसे फोरहेड पे लगा लो अभी से, और फिर यहाँ से अब कर्व होते हुए आएगा। ओके, इस तरीके से। यहाँ पे भी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपवर्ड फेसिंग कर्व करना स्टार्ट कर दो, ओके। देखो ये जो अपन कर रहे हैं, बाकी दोनों जो लेयर्स हैं वो भी सेम ही है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर क्लियर हो जाए तो बाकी सारी लेयर्स भी सेम ही है। ये देखो ये कर्व ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा कर्व लगाने की जगह इस तरीके से क्रिस क्रॉस बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर दो, एक और तरीका क्या होता है, इसे स्टार्टिंग कर दो यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से ज्वाइन कर दो, जैसे ये आ रहा ना यहाँ पे, तो पीछे की तरफ है ये वाला पोर्शन, ये ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे। इसको ज्वाइन होते हुए ऐसे लाओ और पीछे की तरफ कर्व कर दो, ठीक है। तो ये हेयर्स राइट साइड वाले हो गए। हेयर जो स्ट्रैंड जा रहा है, इसको इधर से स्टार्ट किया। देखो यहाँ पे लाइट है, नीचे की तरफ डार्क है, तो क्या करो यहां से ऐसे स्ट्रोक्स लगाओ, ठीक है। थोड़े इधर आसपास बिखरेंगे, ऊपर की तरफ थोड़े से छोड़ो। यहाँ पे क्या है, ऊपर ऊपर डार्क है, तो यहां से कर्व करना स्टार्ट करो। ये जो कर्व आ रहा है इसके बाद से हल्के हैं, तो क्या करो ये जो कर्व आ रहा है इसको इस तरीके से थोड़ा घुमाओ और हल्के हल्के दो चार स्ट्रोक्स यहाँ लगा दो। वो बाकी अपन मैकेनिकल पेंसिल से फाइनल लेयर में हटा देंगे, ठीक है। फिर आते ऊपर बन पे, तो ये देखो थोड़े से अलग है। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से थोड़ा एक उठासा एरिया है, अगर ध्यान से देखो यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं स्ट्रोक्स और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं स्ट्रोक्स, इस तरीके से बना। यहां से थोड़े कर्व ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स ले गए, फिर यहां से एक और ऐसी कर्व बना, उसमें स्ट्रोक्स लगाए, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन है, यहाँ पे बीच में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये ऊपर की तरफ लगाए, यहाँ एक और स्ट्रोक लगाए, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ऊपर, ओके, इस तरीके से। फिर ये जो जा रहे हैं हेयर स्ट्रैंड्स थोड़े इस तरीके से निकलते हुए ग्रुप में, ये बनाए थोड़े यहाँ से निकल रहे हल्के हल्के, थोड़े से वो बना दिए पेयर में, थोड़े यहाँ जो डार्क से जा रहे हैं एक दूसरे क्रॉस करते हुए, ठीक है। हल्के हल्के जो बाल अपन को दिख रहे हैं यहाँ से निकलते हुए, यहाँ यहाँ कर्व होते हुए, यहाँ एक और ऐसे पेंसिल पीछे पकड़ो और इस तरीके से कर्व कर्व बनाते जाओ, थोड़े थोड़े यहाँ निकले,
जैसे ये आ रहा है यहाँ से बाहर की तरफ निकल गया, तो तुम क्या कर सकते हो, फ्लो में ले जाओ यहाँ से थोड़े बाहर की तरफ, फ्लो में ले जाओ। बहुत ज्यादा नहीं बिखरने, ठीक है, थोड़े यहां से ईयर्स के पास, यहां से ऐसे निकल रहे, थोड़ा एक आध हल्के तरीके से, एक यहां और ऐसे चेहरे पे आएंगे, बाहर वाले बालों पे मत चलाना ब्रश ऐसे, वरना वो फिर क्या है बैकग्राउंड में गंदगी देगी। हल्का हल्का यहाँ चला इस तरीके से ब्रश, थोड़ा थोड़ा यहाँ फोरहेड वाले में, जिस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाएं उसी डायरेक्शन में। यहाँ पे जब कर रहे हो केयरफुली, जो हाईलाइट है उस पर नहीं आ जाए, और ब्रश को जरा स्मूथली चलाना है, ऐसे नहीं कि एक ही जगह पे घिसे जा रहे, कंटिन्यूसली चलाते जाओ ताकि मोशन बनता रहे, कुछ एक जगह स्मजेस नहीं है, ठीक है। यहाँ ऊपर ऊपर ऐसे सर्कुलर में चला लो, हेयर स्ट्रैंड ये जा रहा है इस पे से चला लिया, ठीक है, तो ये अपना ब्लेंड भी हो जाता है। तो सेम तरीके से अपन सिक्स बी वाली लेयर भी करेंगे, और नहीं हो तो मैं बताऊं डायरेक्ट क्या है, अगर 10B पेंसिल लो और डायरेक्टली 10B कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज है, 10B को हर समय शार्प रखना और एकदम प्रेशर के साथ चलाना, ऐसा नहीं कि कभी थोड़ा ढीले ढीले चला रहे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़ा लाइट चलाते हो, ओके, तो क्या करो, 6B पेंसिल की एक लेयर दो, उसके बाद 10B की एक लेयर, और तुम्हें लगता है कि तुम एक डायरेक्टली कर सकते हो तो 10B से डायरेक्ट करो, ठीक है। मैं 10B से डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि तुम्हारा एक पोर्शन करके देखो तुम्हें कितना डार्क आ रहा है, अगर वो सफिशियंटली डार्क नहीं है तो फिर 6B की एक लेयर दो और फिर 10B की दो, ओके। तो 10B में एक चीज ध्यान रखना, जैसे अपन ने यहाँ पे ये वाले एरिया में किया है, 10B से कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बहुत आगे आगे नहीं करना है, तो मगर सिर्फ हेयर का ऐसे जो आउटलाइन आ रही ना, सिर्फ ये दो और हल्का हल्का बहुत माइन्यूट माइन्यूट दो, ठीक है, इस तरीके से। ये हेयर स्ट्रैंड, इसकी आउटलाइन दी यहाँ से अपन ने, देखो फर्स्ट लेयर जो करी थी उसी की कॉपी है पूरी, यहाँ से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स दो, यहाँ से नीचे की तरफ स्ट्रोक्स दो, ये अपना डार्क हो गया, थोड़े प्रेशर के साथ ही देना, बीच वाला एरिया अपन बाद में करते हैं। फिर करते हैं ये वाला एरिया, देखो अब जैसे अपन ने फोरहेड में यहाँ पे आ रहे ना, बहुत आगे तक नहीं लाना है, इसे थोड़ा पीछे ही खत्म कर, ठीक है, जैसे अगर यहाँ से ला रहे हो तो थोड़ा पीछे खत्म कर, ओके, क्योंकि अपन बात की वो मैकेनिकल पेंसिल से बाद में कर लेंगे, और थोड़ा प्रेशर के साथ चलाओगे तुम डायरेक्ट HB के बाद 10B वाली लेयर कर रहे हो, जैसा मैंने बोला था ना, ये जो फ्लो आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे, इस पे जो फ्लो बन रहा है, सेम यही फ्लो पीछे की तरफ भी कंटिन्यू करना है, वो 10B पे भी याद रखना, और 10B को ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहो, तो जो क्या होगा, जो शार्पर पॉइंट है वो हाथ में बना रहेगा, तो बाल करे यहाँ पे हल्का हल्का ऐसे 10B ऊपर ऊपर शेड करो, थोड़ा थोड़ा लाइटली लाइटली नीचे नीचे करो, ठीक है, इस तरीके से ब्लेंडिंग के टाइम पे याद रखना, ये अच्छे से ऐसे ब्लेंड करना है इसे, इस तरीके से फिर अपन ने वापस कंटिन्यू करना स्टार्ट किया,
धीरे धीरे ये वाला पोर्शन कर दिया। ओके अब जरा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो बाल निकल रहे हैं कुछ डार्क हैं कुछ लाइट हैं, तो जो डार्क बाल हैं पेंसिल को शार्प कर लो, वो अभी बना दो ठीक है। अपन लेफ्ट टू राइट जो चल रहे हैं उसमें सारे जो एक्स्ट्रा बाल भी निकल रहे हैं वो भी बनाते हुए चल रहे हैं ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ ये डार्क है, अपन ने बनाए, यहाँ पे ये डार्क है ओके। यहां से एक हाथ ऐसे थोड़े से यहाँ पे ये ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, डार्क बाल बहुत ज्यादा ऐसे नहीं भर के भी बनाने अपन को, और ये अपना हो गया। इतने काफी हैं, इतने अच्छे लग रहे हैं ठीक है। बीच बीच में यहाँ पे जो है थोड़े प्रेशर के साथ मैकेनिकल पेंसिल से दो चार बाल दो, और इतना काफी है अपने लिए। फिर आते हैं फोरहेड वाले पोर्शन पे, ऊपर वाले मैंने क्या बोला था, यहां से जब स्ट्रोक्स लगाओ तो यहां तक ही लाना, ठीक है। बहुत आगे तक नहीं लाना, वो अपन मैकेनिकल पेंसिल से करेंगे, कैसे वो मैं बताता हूँ 2 मिनट में। पेंसिल को ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहना, ठीक है। जैसे ये है, क्या करो मैकेनिकल पेंसिल लो, तो इस तरीके से आगे की तरफ थोड़े प्रेशर के साथ बनाओ ओके। इसके बाद मैंने क्या बोला था, थोड़ा ऐसे रोटेट कर लो, हाथ के नीचे पेपर रखना, फिर स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट कर दो। मैं भी सेम नीचे नीचे थोड़े से छोड़ देना, तो बाद में मैकेनिकल पेंसिल से करना। ठीक है ये किया, इसके बाद क्या किया, बीच बीच में जो थोड़ी सी स्पेसेस है वो फिल करी, और आगे की तरफ यहाँ पे भी जो फोरहेड पे ला रहे हो यहाँ पे भी हल्के हल्के से लाना, बाद में मैकेनिकल पेंसिल से सही करना ठीक है। जैसे ये आए या मैकेनिकल पेंसिल से आ रहा है, तो हल्का हल्का मैकेनिकल पेंसिल से आगे की तरफ इस वाले पोर्शन में पहले ही कर लो, से आया और फिर मैकेनिकल पेंसिल से हल्का हल्का आगे की तरफ। पेंसिल को शार्प कर लो ताकि बाकी जो एरिया है उन्हें कर सको। ये बाहर की तरफ स्ट्रोक्स जा रहे हैं, जैसे देखो तो बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, कुछ मेनली ये वाले डार्क हैं ठीक है, तो इन्हें बना सकते हो, लेकिन इनको भी ऐसे बनाना कि मिलते जुलते रहे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लाइट हो गए नीचे वाले ऊपर वाले डार्क हो गए या वाइस वर्सा, उतने ही ग्रेड के बनाना, क्योंकि ब्लेंडिंग करते समय वो दोनों सेम ही हो जाएंगे लगभग ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे
ये देखो ये पोर्शन ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है थोड़ा बिखरता हुआ, इसको पीछे की तरफ कर्व करो। ठीक है, हाइल ये जो अपना हेयर स्ट्रैंड वाला एरिया है उसमें भी आगे की तरफ ऊपर की तरफ डार्क है और ये ऐसे नीचे की तरफ डार्क है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आगे की तरफ मैकेनिकल पेंसिल से ऐसे एक्सटेंड करना है। यहाँ पे आराम आराम से शेड करना, जैसे अपन ने ईयर्स वाले पोर्शन में किया था ना, यहाँ पे हल्का हल्का, यहाँ पे ये एक्चुअली बाल है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाते जाओ, शेड करने की जगह स्ट्रोक्स लगाओ। ये वाला एरिया बसता है, यहाँ पे अपन ने से कर्व में लगाए थे पूरे। ओके, आते हैं ऊपर बन वाले एरिया पे, तो यहां से ऐसे लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक्स, थोड़े राइट टू लेफ्ट स्ट्रोक्स। इस तरीके से कर्व करते जाओ। हल्का हल्का नीचे नीचे वाले एरिया में ऐसे शेड कर लेना। ठीक है, जहां जहां पे ऐसे लाइट लग रहा है स्ट्रोक्स जरा प्रेशर के साथ ही लगाना, और पेंसिल ब्लंट हो जाए तो शार्प कर लेना। ठीक है, अब जैसे देखो थोड़े से एरिया यहाँ छूट गया, तो हल्का हल्का ऐसे पेंसिल शेड कर, तो उससे क्या होता है जो खाली एरियाज है वो भी भर जाते, तो ये अपन के हेयर्स जो है शेड पूरे हो गए। अब ब्लेंड करना और हाईलाइट देना है। ब्लेंड करते हैं, तो फोरहेड पे जो एरिया आ रहा हल्का हल्का उस पर चलाओ ब्रश, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं वरना भी बहुत डार्क हो जाए। जहां जहां पेन भी चलिए बहुत हल्का, बाहर बाहर बहुत नहीं चलाना, हल्के हल्के ब्रश चलाना। ब्लेंडिंग स्टंप लेके जरा ईयर वाले पोर्शन में इस तरीके से चलाओ, ताकि ये हेयर्स बराबर डार्क हो जाए। ठीक है, एक लेयर और डार्क होना चाहिए इसको। वो मेरी शाइन कर रहा है ट्यूबलाइट की वजह से, और नहीं अच्छा खासा डार्क आता है। ये हेयर स्ट्रैंड पे अच्छे से ब्लेंड किया। अब देखो क्या है, जैसे यहाँ से कर्व करते हुए लेते हुए, ठीक है, फोरहेड पे नहीं लाना। फोरहेड पे अगर कोई थोड़ा सा भी ग्रेफाइट पाउडर आ जाए तुरंत फूंक मार के हटाओ, और यहाँ पे प्रेशर के साथ चलाओ थोड़ा, ताकि क्या है डिफरेंस देख सकते हो। एक मिनट, हाँ डिफरेंस देख सकते हो तुम, देख रहे हो ये ब्लेंडेड पोर्शन है, बिना ब्लेंड करा हुआ पोर्शन है, तो ये ज्यादा अच्छा स्मूथ और रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें आधा पोर्शन करके दिखाता हूँ प्रेशर के साथ, भले ही उस जगह पे तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा चलाना पड़े ब्रश इस तरीके से। ठीक है, यहाँ फोरहेड पे बहुत ज्यादा मत लाना, पता चला तुमने वो हाईलाइट वाला पोर्शन जितनी मेहनत से बनाया अपन ने वो खराब कर दिया। ये ऊपर हाईलाइट वाला पोर्शन, बन वाला पोर्शन, ठीक है, इसे भी ऐसे कर्व करते रहो। इस पे क्या करो, ऐसे सर्कुलर चला लो, डायरेक्शन तो वही आएंगी, तो तुम डिफरेंस देख सकते हो एक। ठीक है, डिफरेंस तो मैं दिख रहा होगा, ये तुम्हें बढ़िया लग रहे हैं, ये तुम्हें थोड़े कहते हैं स्ट्रोक्स ही स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, तो यही सेम चीज अपन ऐसे करेंगे यहाँ पे। आराम आराम से चलाना ब्रश।
ठीक है। ये देखो अब अपने बाल अच्छे खासे एकदम डार्क हो गए, सब हो गया अपने बालों में। बसता बस एक ही चीज है, थोड़े से हाईलाइटिंग, ठीक है। अभी भी बालों में हाईलाइट्स की कमी है, हाईलाइट्स इस पोर्शन में आएंगे, इस पोर्शन में यहाँ पे जरा थोड़े थोड़े बीच में एरिया में मुझे स्ट्रोक्स कम दिख रहे हैं, डेप्थ कम दिख रही, तो मैं ब्रश चलाऊंगा। थोड़ा सा 10 भी डाल दिया मैंने इस पर, मैं थोड़ा और ब्रश चलाऊंगा ताकि ये थोड़ा और डार्क हो, मुझे और डेप्थ चाहिए यहाँ। ठीक है, हाईलाइट सबसे पहले कहाँ दिखे थे अपन को? इस वाले पोर्शन में, लेफ्ट साइड हेयर स्ट्रैंड में। तो क्या करो, ऐसे पेन निप को बाहर निकालो, ऐसे हल्के हल्के प्रेशर के साथ थोड़े से स्ट्रोक ऐसे ऊपर जा रहे, थोड़े से ऐसे नीचे आ रहे। उसी के ऊपर सेम चीज क्या करनी है तुम्हें, कि जो कर्व है हल्के हल्के से लगाओ। तो उससे क्या होगा, तुम्हें जो बीच में थोड़े से बाल दिख रहे हैं वो भी आ गए और हाईलाइट भी है अपने पास। ओके, फिर यहां पे आए तो कर्व आना स्टार्ट हो गया। बहुत प्रेशर के साथ लगाना ताकि तुम्हारे एक स्ट्रोक में, देखो जैसे मान लो यहाँ पे है, तो एक स्ट्रोक में तुम्हारा ये एरिया इरेज हो। ऐसा नहीं कि बार इरेज करने बैठ गए, जितना तुम्हारा एक स्ट्रोक में हो रहा है उतना करो। देखो अब 10B से क्या होता है, इरेजर पे ऐसे ग्रेफाइट जम जाता है, तो उसका एक सोल्यूशन होता है कि अपना कटर लो और हल्क पतली सी एक लेयर, बहुत ज्यादा ऐसे मोटी मत करना, तो पतली सी एक लेयर हटा दो। ठीक है, तो मेरे पास वापस एकदम शार्प इरेजर आ गई अपनी, ठीक है। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके बीच वाले पोर्शन में स्ट्रोक लगाते रहो। ठीक है, हल्के हल्के हाईलाइट, जैसे बीच में ज्यादा है तो लेफ्ट साइड जाते जाते धीरे धीरे गायब हुए, ऐसा नहीं कि एकदम से कम हो गए। राइट साइड जाते जाते ऐसे धीरे से गायब हुए। थोड़े थोड़े हाईलाइट यहां पे आएंगे, यहां पे बने हाईलाइट्स। ओके, सेम चीज यहां पे भी करी, मैकेनिकल पेंसिल से थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स लगा दिए। थोड़े थोड़े हाईलाइट यहां पे आ रहे हैं, जो ये पीछे की तरफ ऐसे जा रहा है ना। हाईलाइट के बाद क्या करो, हल्का हल्का ब्रश चला दो बस उस पर, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा चलाना, ठीक है। और ये अपना स्केच जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तुम अगर थोड़े इस एंगल से देखो तो अपने बाल और सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। यही सेम चीज तुम वो दूसरी वाली मैकेनिकल इरेजर से भी कर सकते हो। ये है जैसे, तो यहां से ऊपर नीचे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं तो मेरे पास मोनो जीरो इरेजर नहीं हो तो नहीं कर पाओगे, दूसरी इरेजर से भी हो जाता है। बस क्या है, तुम्हें उसे शार्प करके रखना होगा, तो बस एक ही चीज, बस क्या, स्केच में अपना साइन करो। ओके, और ये अपना स्केच कंप्लीट हो जाता है।